ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाले सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के जवान। पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह करने की खुशी इनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। कमांडेंट सौमित जोशी के नेतृत्व में गत 21 मई को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले SSB के जवान शनिवार को दिल्ली वापस लौटे। SSB के महानिदेशक अरुण चौधरी ने 10 सदस्यों वाले इस अभियान दल के सदस्यों को रविवार को सम्मानित किया। हमारी टीम के लिए मैं कहूँगा बहुत आसान नहीं था। हर पड़ाव पे हमको लगता था कि इसके आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर काफ़ी दिक्कतें आईं। ऊपर वाले ने या मौसम ने साथ दिया हमारा, और 9:30 बजे पहुँचने के बावजूद भी मौसम बहुत बढ़िया रहा और हमको कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ। 8,848 मीटर की ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल करने के मकसद से SSB का ये दल गत 2 अप्रैल को दिल्ली से रवाना हुआ था। एवरेस्ट पर विजय पाने के अपने अभियान के दौरान दल के सदस्यों ने दृढ़ निश्चय, वीरता, शौर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया। विषम परिस्थितियों के बीच अपने अभियान को अंजाम देकर इन्होंने न केवल SSB बल्कि समूचे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। निशांत सौरभ, DD News, दिल्ली।